हेलो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज मोहम्मद शुएब इब्राहिम एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ लेक्चर ऑन आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इससे पहले मैंने आपको आरसीसी में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया था आरसीसी का, उसके बाद ग्रेड ऑफ पीसीसी बताया था। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी वो वाली, तो उनको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एक्चुअली गाइज जो बीच में मैंने लेक्चर्स नहीं दिए, एक्चुअली एक तो बीच में रमजान आ गया था, तो रमजान की वजह से फिर मेरे से वीडियोस नहीं शूट आउट हो पाई। तो गाइज दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग बताना क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए जो आईएस कोड कहता है वो समझते हैं। आईएस कोड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000 इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 क्लॉज 6.1.1, अगर आप क्लॉज 6.1.1 में जाएंगे पेज 15 या 16 के आसपास मिल जाएगा आपको, पेज 15 और 16, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000 क्लॉज 6.1.1 द टेस्ट रिजल्ट The test result below which not more than 5% test result are expected to fall. देखो कोड क्या कहता है करेक्ट। देखो पहले आप आपसे कोई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा तो आप सिंपल बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000 क्लॉज 6.1.1 द टेस्ट रिजल्ट बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, जिसके नीचे सिर्फ 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल या फिर फॉल नहीं होने चाहिए, तो वो जो स्ट्रेंथ होती है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। अब ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में समझा दिया, बट एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आती कहां से है? अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के साथ साथ एक स्ट्रेंथ और होती है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आज आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो चलो फिर आप इसको समझ लेते हैं। फिलहाल आप लोग ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है, फिर उसको हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अंदर से। सपोज हमने कोई ग्रेड ले लिया कंक्रीट का, इससे पहले इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रेड ऑफ पीसीसी बताया था प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो सपोज हमने कोई कंक्रीट का कोई भी ग्रेड ले लिया, सपोज M25 ले लिया, सपोज चलो हमने M25 जिसका रेशियो कितना होता है 1:1:2, यही होता है ना। तो अब यहां पर 1 का मतलब क्या होता है, ये सीमेंट हो गया, एक पार्ट सीमेंट का, एक पार्ट सैंड का और 2 पार्ट्स एग्रीगेट के। जब आप एक पार्ट सीमेंट का लोगे, एक पार्ट सैंड का लोगे और 2 पार्ट एग्रीगेट का लोगे और उसको मिक्सचर बनाओगे कुछ वाटर बाय सीमेंट रेशियो लेके, तो आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा कंक्रीट का? आपको मिलेगा M25। अब लेकिन अब उसको अच्छे से समझने वाली बात क्या है कि यहां पर जो ये मिक्स होता है इसका एम का क्या मतलब होता है? एम का होता है मिक्सचर, एम का मीन्स होता है मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सी फॉर सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। अब आप बोलोगे तो सर इसका क्या मतलब होता है, इसका 25 का, इस 25 का तो बहुत बड़ा मतलब होता है। जो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, जो मैं आप लोगों को
डेफिनेशन बता रहा था जो मैं आइस कोड के अकॉर्डिंग जो होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये जो 25 होता है ये 25 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही तो होती है, तो आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एफ सी के। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अच्छे से तो नहीं समझ में आया होगा, अभी सिर्फ इतना समझ में आ गया होगा कि आप डिफाइन कर लोगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कि बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, या फिर आप बोल सकते हो कि 95 टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज, कि वो स्ट्रेंथ जिससे सिर्फ 5% रिजल्ट ही कम हो या फिर 95% रिजल्ट उतने हो या फिर उससे ज्यादा हो, यही तो मतलब होता है ना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का। तो अब अच्छे समझते हैं कि ये आता कैसे है, इसका क्या प्रोसेस है, वो अब अच्छे से समझाएंगे अब आपको। फिलहाल आपको पता चलेगा कि ये 25 है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें मिलती कैसे है, मिलते ऐसे है हमें, सपोज हमने क्या करा, सपोज हमने 100 क्यूब्स बनाए, कितने क्यूब्स बनाए हमने, सबसे पहले हमने कोई ग्रेड सेलेक्ट कर लिया, हमने M25 को ही सिलेक्ट कर लिया जिसका रेशियो कितना होता है 1:1:2 होता है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को जानना था, या फिर मैं बोल सकता हूं उसके बाद एक मीन स्ट्रेंथ भी होती है, हमें उसकी मीन स्ट्रेंथ को जानना था, तो इसलिए हमने क्या करा उसके 100 क्यूब्स बनाए। 100 क्यूब्स जब हमने उसके बना लिए, अब जनरली हम जो क्यूब्स बनाते हैं कितना बनाते हैं 150 एमएम क्यूब का, 150 एमएम क्यूब के हमने क्या लिए मोल्ड लिए, उसके अंदर हमने कंक्रीट को फिल किया, कौन से ग्रेड से M25 ग्रेड से, सारे M25 ग्रेड के ही बनाए हमने 100 के 100 क्यूब, और उनको फिल कर लिया और 28 डेज तक उसको क्यूर किया हमने, क्यूरिंग करी उसकी तिराई जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जब हमने उसको 28 डेज तक क्यूरिंग कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग पे किससे करते हैं हम टेस्टिंग, टेस्टिंग हम करते हैं CTM, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। अब CTM क्या होता है, CTM में आपका क्या होता है कि आप हर इंडिविजुअल क्यूब को CTM में रखोगे, CTM में रखोगे, सपोज आपका ये CTM, सपोज ये आपका क्यूब है, आपने क्यूब को बीच में CTM के बीच में रखा और आपने उसमें क्या करा लोड अप्लाई करा, और आप उसको तब तक लोड अप्लाई करते रहोगे जब तक कि आपका क्यूब फेल ना हो जाए। और फेल कब होगा, जब उसमें क्रैक्स शो हो जाएंगे, जब उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपको उसको वहीं सडनली रोक दोगे CTM को और उसको लोड को नोट कर लोगे। सर अब ये देखिए आप, कंक्रीट हमारा कैसा मटेरियल है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में आपको कभी मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं आता, आपसे कोई भी पूछ ले इंटरव्यू में यार सिंपल क्वेश्चन ऐसे तो पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें सब हर किसी को ये लगता है कि मुझे आता है, बट वो सही तरीके से जवाब ही नहीं दे पाता। वो क्या करके रखता है, हर कोई क्या करके रखता है कि एक ये कोड की जो हमारी एक डेफिनेशन होती है उसको रट लेता है वो, और उसी को बोल देता है, वो समझा पाता ही नहीं वो, बस वो बोलता है 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अरे कैसे हुआ है फॉलो, क्या प्रोसेस था उसका, यार प्रोसेस पता होना चाहिए ना, जब आपको पूरा प्रोसेस पता होगा तो आप इजीली आप हिचकिचाओगे नहीं, आप इजीली आंसर दोगे यार, तो और आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता, और यहां से अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के। तो मैंने आपको क्या बताया कि सपोज हमारा हमने 100 क्यूब्स बनाए, अब आप मुझे ये बताइए जो हमारा कंक्रीट होता है, जो हमारा कंक्रीट होता है कैसा मटेरियल है, होमोजीनियस है या फिर हेटरोजीनियस है। आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, होमोजीनियस तो होने से रहा, हेटरोजीनियस ही होगा, आप बोलोगे सर हेटरोजीनियस क्या होता है, अरे सिंपल है यार, आप लोगों को अच्छे से पता है, हमेशा आप पढ़ते आते हो मेरे ख्याल से, सोम में भी आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ लेते हैं, आरसीसी में जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं वो आपसे डिस्कस सबसे पहले करते होंगे। होमोजीनियस वो होता है, देखो होमोजीनियस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मुझे पता है बहुत सौ को पता होगा, आप लोग उधर से बोल भी रहे होंगे शायद कि सर आप क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हो, बट रियलिटी यही है कि आपको बच्चों वाली चीजें आनी चाहिए यार, ये जब आपको आ जाएंगी ना तो फिर आपको बड़ों वाली चीजें भी आ जाएंगी। तो ये मैंने बेस अगर आपका
कोई भी चीज है, अगर कोई भी आप इमारत बना रहे हो, कोई भी आप टावर बना रहे हो, कोई भी आप घर बना रहे हो, अगर आपका बेस अच्छा है ना तो उस पर आप कितनी मंजिलें बना लेना, फिर इजिली वो उसके ऊपर इजिली बियर कट जाएगा, इजिली झेल लेगा वो आपकी फाउंडेशन। और अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ आप कहीं भी चले जाओ यार, आप हमेशा हिचकिचाओगे, अपने सीनियर्स के सामने हिचकिचाओगे। क्यों हिचकिचाओगे? क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें पता ही नहीं है यार। कॉन्फिडेंस डेवलप कहाँ से होता है? इन छोटी छोटी चीजों से ही डेवलप होता है आपका कॉन्फिडेंस। और आप हर कोई इंसान कोई भी अपने आप कमजोर ना समझे, हर कोई हर काम कर सकता है, बशर्ते उसका बेस क्लियर हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपका बेस अच्छा होता है। खैर छोड़ो, ये मोटिवेशन लेक्चर नहीं है। तो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? होमोजीनियस वो होता है कि जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी हर जगह सेम हो। अब जैसे मैं स्टील को ले लेता हूँ, सपोज मैंने स्टील ले लिया। अब स्टील आप घर पे तो नहीं बनाते ना, ये घर पे आप क्या, अगर आपने इसको मेल्ट किया या बना लिया ऐसे तो नहीं आप करते, वो तो कंपनीज में बनता है। अब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जैक्ट मिलाते हैं वो लोग, तो उसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ होगी वही प्रॉपर्टी यहाँ होगी, यहाँ होगी, हर जगह सेम प्रॉपर्टी होगी होमोजीनियस में। तो अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस में आप क्या करते हो? कंक्रीट के मामले में तो जब कंक्रीट का काम होता है या फिर आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, मैं बोल रहा हूँ घर का हर बंदा अपने आप को सिविल इंजीनियर समझता है उस वक्त, क्योंकि उसको पता है कि कुछ नहीं करना होता, सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर मिलाना है, मिक्सचर बनाना है, और वो जो मर्जी चाहे वो बना लेता है। वो ऐसे तो करते हैं ना आप लोग। आप लोग एक मिनट रुको यार। हाँ, तो हमारा कंक्रीट कैसा मटेरियल है? हमारा हेट्रोजीनियस मटेरियल है। अब हेट्रोजीन, अब मान लो आपने क्या, मैं आपको बता रहा था कंक्रीट घर पे हर कोई बना लेता है। कंक्रीट में सिंपल क्या होना, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर मिलाना है और आप कंक्रीट बना लेते हो। अब कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी, सपोज ये आपने कंक्रीट बनाया, जो प्रॉपर्टी यहां पर होगी वो यहां पर नहीं होगी। अब क्या होगा, आपने सपोज आपने पहले एक बैच बनाया, फिर उसके आपने आपने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, अलग अलग बनाया, तो शायद यहां पर आपने सीमेंट में थोड़ा अप डाउन हो गया, या फिर थोड़ा टेम्परेचर में चेंज आ गया, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपने कहीं वाटर ज्यादा डाल दिया, कहीं पर कम डाल दिया। इस वजह से क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज हर जगह वेरी कर जाती है कंक्रीट की। तो इसलिए हमारा कंक्रीट कैसा मटेरियल है? कंक्रीट हमारा इसलिए हेट्रोजीनियस मटेरियल है। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, सपोज हमने क्या करा, 100 क्यूब्स बनाए। कितने क्यूब्स बनाए? 100 क्यूब्स बनाए। और 100 क्यूब्स बनाने के बाद हमने क्या करा, उसको सीटीएम में टेस्ट करा, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, उसके ऊपर लोड लगाया, और जिस लोड पे वो क्रैक्स हो रहे थे आपका कंक्रीट, उसको हमने क्या कर लिया, नोट आउट कर लिया। और फिर जब हमने 100 क्यूब्स को टेस्ट कर लिया तो कुछ ना कुछ हमें उसकी स्ट्रेंथ मिली होगी ना, कि जिस स्ट्रेंथ पे, जिस लोड पे वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है या क्रैक्स आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करा, उसको उसको हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ 100 क्यूब्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, सपोज कर लेता हूं, सपोज M25 का आपके पास, आप कौन सा ग्रेड बना रहे थे? आप M25 की तो बना रहे थे ना, M25 के आपने 100 क्यूब्स लिए। सपोज जो पहली स्ट्रेंथ आई वो 17 आ गई या 18 आ गई, दूसरी आ गई 18, फिर आ गई 18.5, सब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। फोर्थ आ गई सपोज आपकी 24 आ गई, फिर आ गई आपकी 24.5, कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5। और सिक्स आपकी आ गई सपोज कर लीजिए 25, या 25 से ज्यादा आ गई, फिर आ गई आपकी 25.2, फिर आ गई 26, फिर अप टू आपकी आपकी आपने 100 क्यूब्स की बनाई ना। अभी तो नहीं कि मैं 100 क्यूब्स की लिखूंगा, तो लास्ट वाली सपोज आ गई आपकी 28 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब बात करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। हम तब से किसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। हमने क्या करा, हमने 100 क्यूब्स लिए 150 mm क्यूब की, उसको हमने क्या करा, सीटीएम में टेस्ट किया, और उसकी जो स्ट्रेंथ आई उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया हमने। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब मैंने लिखा, हमारा जो कोड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू IS 456:2000 क्लॉज 6.1.1 क्या क्या बोलता है कि द टेस्ट रिजल्ट बिलो विच नॉट मोर देन
5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, जिससे सिर्फ 5% रिजल्ट ही फेल होने चाहिए या फिर फॉल होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 6% भी नहीं, 7% भी नहीं, सिर्फ 5% अलाउ करता है, 5% या उससे भी कम। आप देखते हैं टोटल 100 क्यूब्स है तो 5% कितना हो जाएगा, 1, 2, 1%, 2%, 3, 4, 5, ये जो 5 आ गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, जो ये 5% रिजल्ट है ये उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होने चाहिए, और जो बच्चे में 96% है या 96% है वो उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी जो आपको जो सिक्स्थ वैल्यू मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। समझ में आ गया होगा, सिंपल है आपका कि आपने 100 क्यूब्स लेने हैं, 100 क्यूब्स को आपने सीटीएम में टेस्ट करना है, फिर जो आपकी स्ट्रेंथ आएगी उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे जो आपकी सिक्स्थ वैल्यू होगी, जो छठी वैल्यू होगी आपकी, सिक्स्थ वैल्यू होगी वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अब देखो छठी वैल्यू, सिक्स वैल्यू क्या है, 25 है, तो इट मींस ये कौन सा ग्रेड है, M25 है। सपोज की अगर ये 25.5 भी आ जाता तब भी इसको आप M25 ही मानते, बट अगर ये सिक्स वैल्यू 20 ही आता तब तो ये M20 का ग्रेड हो जाता ना, तब तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती, 20 होती। तो अब आपको पहली चीज समझ में आ गई कि जो जितनी सारी वैल्यूज है, जितनी ये सारी स्ट्रेंथ है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और वो कौन सी होती है, छठी वैल्यू, सिक्स वैल्यू होती है वो। अब आप बोलोगे कि सर ये जो बाकी है फिर ये क्या है, इन सब में आप क्या कर रहे हो, सीटीएम में टेस्ट कर रहे हो ना आप इन सब को, तो ये और कौन सी वैल्यू निकल रही है आपकी, कंप्रेशन वैल्यू मिल रही है, तो ये जितनी सारी वैल्यू है ये सारी वैल्यू, जो सारी वैल्यूज है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है, ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये भी, हालांकि जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये भी तो एक कंप्रेसिव वैल्यू ही है ना, जितनी 100 आपकी वैल्यूज आएंगी वो सब की सब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, बस जो आपकी सिक्स वैल्यू होगी वो कंप्रेसिव वैल्यू भी होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होगी, और प्लस वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी होगी। तो आप लोगों को ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। ठीक है गाइस, तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। अब यहां पे थोड़ा सा इसको आप नोट करना चाहो तो कर लीजिए, देखो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा करो यार, वो ज्यादा अच्छे समझ में आता है, पढ़ा है आपको कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर पढ़ाए, मुझ जैसा बेकार टीचर भी आपको चाहे पढ़ाए, कोई भी पढ़ाए आप लोगों को, आप हमेशा और हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगी वो चीज। मैं भी यही करता था यार, अपनी लैंग्वेज में लिखता था मैं, मुझे याद रहता था। अब अगर बाय चांस मैं आपको नोट्स, आप कोई भी नोट्स दे, मैं तो एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको कोई नोट्स भी दे देगा आप किसी के नोट्स कैसे पढ़ लोगे यार, कब तक रटोगे यार, और चीजों को समझ नहीं पाओगे, और अपने हिसाब से जो आप सुनोगे उसको जब आप लिखोगे वो आप हमेशा याद रखोगे। बाय चांस अगर आप बीच में आपने कुछ टाइम बुक्स ना भी उठाए, वो नोट्स ना भी उठाए, अगर आप कुछ एक टाइम पीरियड के बाद भी उठाओगे तब भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने खुद लिखे हैं यार। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बहुत बढ़िया, वो समझाता हूं मैं आप लोगों को। और यार कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा समझ में आया, कैसा नहीं आया, फिर उसके बाद उसी के देखते हुए फिर हम क्या करेंगे, उसी को देखते हुए फिर आगे लेक्चर्स की यार वीडियो शूट करेंगे और क्या करेंगे। एक ग्राफ बनाते हैं हम, सबसे पहले एक ग्राफ बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ बनाते हैं हम किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी यहां पर मैं किस, पहले देखो फ्रीक्वेंसी यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो हमने 100 क्यूब्स टेस्ट करे है ना, 100 क्यूब्स उनकी जो स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आई थी 17, 18 अप टू सपोज M25 ग्रेड ही ले रहे थे ना, और अप टू कहां तक आ गई थी, सपोज कुछ भी कर लो यार 27 तक आ गई थी, तो जो फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है वो इधर कर रही है यहाँ पर हर जगह, ठीक है 17 से स्टार्ट हो रही है अप टू 27 तक जाएगी, और इधर जो आपका होगा यहाँ पर होगा स्ट्रेंथ कौन सी, वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब जब आप क्या करते हो सीटीएम में 100 क्यूब्स को टेस्ट करते हो, तो जब आपका आप क्या करते हो 100 क्यूब्स लिए यार आपने, 100 क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा,
फिर उसको अगर आप एक ग्राफ में बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्ट्रेंथ। अब आपको कोड क्या कहता है, कोड बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिससे सिर्फ 5% रिजल्ट ही फॉल होना चाहिए, जिसके नीचे 5% रिजल्ट फेल हो जाए या फिर फॉल हो जाए। तो सपोज कर लेते हैं यहां तक 5% है, ये 5% आप लिख लीजिए अपने तरीके से, 5% रिजल्ट फॉल, जब 5% रिजल्ट फॉल हो गए तो छठी वैल्यू कौन सी बताई थी हमने आपको, छठी वैल्यू तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही होती है ना, तो ये हो जाएगा एफ सी के, लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आप ये देखिए एक स्ट्रेंथ पीक पे है, इसके अगर आप इसको यहां से इस तरीके से मिला दोगे, यहां पर जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो मिलेगी आपको मीन स्ट्रेंथ एफ एम, मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक देखो ध्यान से समझना, यहां पर ये क्या हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी एफ सी के, और जो पीक के जस्ट सामने आ जाएगा आप उसको डॉटेड डॉटेड लाइन से मिलाओगे, जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी वो मीन स्ट्रेंथ मिलेगी। और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से लेके मीन स्ट्रेंथ तक की वैल्यू को, की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, इधर लिख देते हैं 1.65 सिग्मा। और जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कहां से मिलेगी, आपको कोड से मिल जाएगी अभी बता दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो मैं जो आपको ये सब चीजें बता रहा हूं ये मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए बता रहा हूं। अब ये देखो मान लो कोई भी ग्रेड है आपके पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो पता होगी ना, जो उसके सफिक्स में लिखी होगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। M30 ले लो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 30 होगी। M25 ले लो, 25 हो जाएगी, 20। M20 ले लो तो 20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, जो भी उसके सफिक्स में लिखा होगा वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे उसकी मीन स्ट्रेंथ क्या होगी, अब आप परेशान हो गए कैसे निकालेंगे, देखो अभी कितना इजीली आप निकाल लोगे मीन स्ट्रेंथ को। अगर मैं इसका हाफ करूं, इसका मैं हाफ करूं अगर, तो हाफ वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, 1.65 सिग्मा को आप डिवाइड करो 2 से, तो 0.825 सिग्मा, ठीक है। और इतना इतना ही इधर हो जाएगा आपका दूसरी साइड 0.825 सिग्मा। अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है क्वालिटी कंट्रोल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है हाउ टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट कंक्रीट एट साइट, कोई भी कंक्रीट है जब आप साइट पे बना रहे हो तो उसको एक्सेप्ट मतलब कि ये इसको आप यूज करने काबिल है या फिर उसको रिजेक्ट के काबिल नहीं है, उसको कैसे करेंगे आप, उसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया नंबर 1, क्या है कि आपने क्या लेना है, टेक थ्री क्यूब्स रैंडमली, कहीं से 3 क्यूब उठा लो उन 100 क्यूब्स में से, और उनकी क्या कर लो आप 3 क्यूब्स रैंडमली ले लिए और उनकी एवरेज स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, एवरेज 3 क्यूब की मान लो कुछ भी स्ट्रेंथ ले ली, 17, 18, 19 कुछ भी कोई सी भी उठा लिया आपने 3, उसकी आपने क्या ले लिया एवरेज ले लिया, डिवाइडेड बाय 3 कर लिया, तो एवरेज स्ट्रेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या तो बराबर होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए, किससे, एफ सी के क्या है यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 0.825
A25 सिग्मा। अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है हमारा, अगर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, देखो FC की वैल्यू आपको पता ही होगी, अगर आप M25 ले रहे हो तो 25 उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। सिग्मा की वैल्यू, अब मेन होती है सिग्मा की वैल्यू कहां से मिलेगी, मैं आपको बताता हूं। अगर ये वाला क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई हो रहा है तब हमारा कैरेक्टरिस्टिक आपका जो कंक्रीट है वो एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल है, उसको यूज कर सकते हो। दो क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया भी अच्छे से बताऊंगा, वो भी एकदम फुलफिल होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो आपका कंक्रीट एकदम रेडी है, आप उसको यूज कर सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं साइट में। अब बात करते हैं सिग्मा की। सिग्मा जो होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है हमारा ग्रेड के अकॉर्डिंग, ये होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है, ग्रेड और इधर लिख लो सिग्मा की वैल्यू, ये आपको मिल जाएगा टेबल एड। आईएस कोड में जाना आप, ISO 456:2000 खोलना, उसमें टेबल एड मिलेगी आपको, एक टेबल नंबर 8 उसके आसपास ही हो जाएगी, टेबल 8 ही होगी। M10 से M50, M22, M25 होगा यहाँ, M25 और ग्रेटर देन M25 पहला ग्रेड होगा। अगर आप M10 या M15 आपके पास ग्रेड है और उसकी आपने क्या निकालनी है, क्राइटेरिया फुलफिल करना है या आपको चेक करना है, तो उसके लिए आप लोगे सिग्मा की वैल्यू 3.5। अगर 20 या 25 है 4, और अगर 25 से कोई भी ग्रेडर हो, कोई भी आपके पास ग्रेड हो, उसके लिए सबके लिए आपने 5 लेना है, 3.5-4.5। तो अब आप सिंपल है, अगर मान लो आपको एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी है, आप क्या करोगे, जो आपने टेस्ट किया है उसके 3 क्यूब्स रेंडमली उठाओगे, तीनों क्यूब्स को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, उसका एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के बाद उसको लिख दोगे, और फिर दूसरी साइड के लिखोगे जो भी आपने ग्रेड अगर 25 लिया है तो FC की जगह क्या जाएगा, 25 + 0.825, 25 की वैल्यू कितनी लेनी होती है सिग्मा की वैल्यू, 4 + 0.825 × 4। अगर वो वैल्यू अगर वो इससे कम आ रही है तो एकदम आपका ओके, आप कंक्रीट को यूज कर सकते हो। तो पहला क्राइटेरिया तो ये था, दूसरा क्राइटेरिया मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर उसके बाद मैं और वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। और सबसे ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा, तभी फिर मजा आता है वीडियोज बनाने में। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, कल को हम देखते हैं फिर क्राइटेरिया नंबर 2। ओके, खुश रहिए सभी लोग।